लैब में कृत्रिम सूर्य बनाने का कारनामा किया है। कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी पैदा हुई। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन को अक्सर कृत्रिम सूरज कहा जाता है। इस प्रयोग के नतीजे क्लीन एनर्जी का एक अदंत स्रोत हासिल करने की दर्शकों लंबी खोज में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं, और इसकी सफलता जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करने में मदद कर सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन तब होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु एक बड़े परमाणु में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हीट के रूप में बड़े पैमाने पर एनर्जी पैदा होती है। परमाणुओं के अलग होने की प्रक्रिया न्यूक्लियर फिजन या परमाणु विखंडन कहलाती है। इस प्रक्रिया के जरिए ही परमाणु रिएक्टरों से बिजली पैदा की जाती है और बड़े पैमाने पर रेडियो एक्टिव कचरा पैदा होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा नहीं होता। न्यूट्रॉन और अल्फा कणों से पैदा ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में इकट्ठा किया जाता है और बाद में इससे ऊर्जा पैदा की जाती है। कुछ महीने पहले चीन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की थी। हेफई स्थित न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से 1056 सेकंड या करीब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाली गई थी। पिछले साल ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ये रिकॉर्ड मात्रा में निरंतर ऊर्जा पैदा करने में सफलता पाई थी, लेकिन ये सिर्फ 5 सेकंड तक ही टिकी थी। अमेरिका या फिर चीन जिस लैब मेड सूर्य की बात कर रहे हैं वो असल में क्या है? दरअसल प्राकृतिक सूर्य जिस प्रक्रिया के तहत एनर्जी पैदा करता है उसी की नकल वैज्ञानिकों ने लैब में की है। कई बार वैज्ञानिकों को इस प्रयोग में विफलता मिली क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन चैम्बर इतने तापमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। चीन और अब अमेरिका ने इसमें सफलता हासिल की है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलने वाली एनर्जी ऊर्जा के बाकी स्रोतों से ज़्यादा क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी। इससे हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर जीवाश्म ईंधन नहीं निकालेंगे, यानी पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और इंसान की ऊर्जा ज़रूरतें भी पूरी होंगी। लैब में बने सूर्य को ग्रीन एनर्जी का बड़ा स्रोत माना जा रहा है, जिससे दुनिया में गहराता ऊर्जा संकट कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन्मभूमि टुडे।